प्रहलाद जी ने कहा नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे जरूरी नहीं है, तपस्या से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं है, हजारों वर्ष भी तपस्या में बीत जाए कौन जाने, यज्ञ करने से भगवान मिल जाए कितना समय लगेगा कोई नहीं कह सकता है, अमल भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति होती है, विशुद्ध भक्ति से कृष्ण मिलता है। अब देखिए अमल भक्ति और मद भक्ति इन दोनों में क्या अंतर है। मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति को, जिसे सकाम भक्ति कहते हैं। अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था तो बीच में नारद जी मिल गए, तो उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज ये ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी इनमें जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? तो उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगत बोला बस अब तपस्या करूंगा। भगत ने जाकर के बहुत तपस्या की, 3 महीने तक तपस्या करी महाराज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो भक्त, जो वरदान मांगोगे सो मिलेगा। भगत बोला बस 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 आपके दर्शन हो गए। ब्रह्मा जी बोले तो क्या शंकर जी वरदान देते, विष्णु जी वरदान देते, हम वरदान नहीं देते? अरे हम विधाता है, हमसे वरदान मांगो, तुमने 3 महीने तपस्या की है और वरदान भी तुम 3 मांगो, एक नहीं मैं 3 वरदान दूंगा तुम। तो भगत तो कलयुगी था महाराज, बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वरदान दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान दे दो कि जब चाहूं तब तीसरा वरदान और मांग लूं। अब ब्रह्मा ने कहा ठीक है जाओ, तथास्तु ऐसा ही होगा। भगत के मकान बन गया महाराज, शादी हो गई, सुंदर बंगला बन गया। रात्रि में सो रहा था, बरसात आई तो मकान का सारा रंग धुल गया। अब भगत वहीं से चिल्लाने लगा, ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, बोले बोल भगत। बोले पहला वरदान ये दे दो कि बरसात बंद हो जाए, दूसरा वरदान दे दो कि मेरा मकान पर कभी बरसात ना हो, और तीसरा वरदान जब चाहूं तब तीसरा और मांग लूं। ब्रह्मा ने सोचा ये कैसा भगत है, चलो ठीक ठीक। भगत जी के सर्दी जुखाम हो गई, बोले ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? बोले पहला वरदान ये दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे कोई शरीर में कष्ट होवे ही ना, तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब तीसरा और मांग लूं। अब तो कोई भी कष्ट होवे तो ओ ब्रह्मा जी, और ऊपर से कहता है कि ऐसे ही वरदान थोड़ी मांगा, 3 महीने तक तपस्या करी। रोते रोते विधाता जी ब्रह्मा जी नारायण के पास में गए। नारायण हंस करके बोले क्या हुआ? बोले इस भगत से मेरा पीछा छुड़ाओ। अरे 3 महीने भजन क्या कर लिया, अपना दास बना लिया मुझे। भगवान ने कहा विधाता जी इन कलयुगी भक्तों को जरा ठोक बजा करके देख लिया करो पहले, क्योंकि ये सवाल